violence, violence, violence. But why? ओके कैसे कैसा ऐसा कर तो बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस अब लोगों के सामने एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ। सो गाइस मेरा 3K कंप्लीट होने में चैनल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करके इसको 3K कंप्लीट कर देना। मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 3K कंप्लीट होने के बाद मैं फेस कैम स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और गाइस आज वाले जो ट्रेलर शेड्यूल देने वाले KGF चैप्टर 2 का जो ट्रेलर निकल कर आया है, वो ट्रेलर का ऊपर आप लोगों को अपना खुद का फोटो दे करके HDR वाला न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस ट्यूटोरियल दूंगा। तो आप लोग इस टाइप का स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच करते रहो। वीडियो में जो कुछ मैं टाइप अगर करूँगा सभी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें डायरेक्ट मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हो मैं टेलीग्राम चैनल जो ना चाहो पर सारे मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। सो बस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जो अलग बेल आइकन रहता है उसको ऑल पर प्रेस कर दो। सो बस हम बिल टू अवेलेबल देयर बिल टू एम टेक चैनल के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस ऑलराइट, इस टाइप HDR वाला टेटस एडिटिंग करने के लिए फोन के अंदर आप लोगों के एक ऐप रहना जरूरी है, वो है AlloMotion ऐप। Allo का लेटेस्ट वर्जन बिना वाटरमार्क का AlloMotion ऐप नहीं है, तो इसका लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर टच कर डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे, या तो टेलीग्राम ऐप में मेरा चैनल सर्च कर सकते हो बिल टू एम टेक, आप लोगों को सबसे ऊपर मेरा चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना गाइस। और अगर स्टेटस एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को दो प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा AlloMotion ऐप के अंदर, उन दोनों को प्रोजेक्ट का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके सिंपली आप लोग डाउनलोड कर लेना AlloMotion ऐप के अंदर। और अगर जिन लोग प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं होता उन लोगों में XML बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, आप लोग भी सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं दो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके रखोगे AlloMotion ऐप के अंदर, आप लोगों को दिखा दूंगा किस नाम से आप लोग जो प्रोजेक्ट को AlloMotion इंपोर्ट कर लोगे वो टाइटल शो करेगा। सो अगर सिंपल मैं ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट म्यूजिक बिन पर जो प्रोजेक्ट है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। तो इसके अंदर आप लोग इस टाइप का मार रहेगा कहाँ पे कौन से पिक ऐड करोगे, और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑडियो रहेगा, ऑडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को फीड मार मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो क्लिप एक दे दूंगा, तो वीडियो क्लिप को लोग कट करके ऐड करना पड़ेगा और अपना खुद का भी फोटो को फीड मार के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे कौन सा इफेक्ट एंड कहाँ पे कौन सा वीडियो लगाऊंगा एंड फोटो को लगाऊंगा आप लोगों को सिंपली बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टाइप का फीड मार मिलेगा और नीचे आप लोगों को इफेक्ट भी मिल जाएगा 1-2-3 मार करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का आप लोगों को शो करेगा। उसके बाद आप लोगों को ऊपर जो टाइटल शो करेगा आप लोग देख सकते हो म्यूजिक बाय बिल टू एंट्री ऐसे करके प्रोजेक्ट टाइटल शो करेगा। सो वैसे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना पड़ेगा इसके अंदर आप लोगों को एक वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वीडियो क्लिप ऐड कर लीजिए, उसके लिए सिंपली प्लस आइकन में टच करें, मीडिया पे जाइए, उसके बाद मैं एक वीडियो क्लिप दे दूंगा। तो सिंपली वीडियो क्लिप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली वीडियो क्लिप को जस्ट आप लोगों के सामने ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस आइकन में टच करके इसको ऐड कर लिया, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी म्यूजिक है, तो हम लोग यहाँ पे म्यूट कर देंगे। तो सिंपली वीडियो लेकर ऊपर टच करके स्पीकर पे टच कर इसको ऐसे करके म्यूट कर लेंगे। करने के बाद सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा लेयर को आगे ले जाना पड़ेगा, तो हम लोग आगे का पार्ट इसका कट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ से एक डायलॉग बोल रहा है यहाँ से हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जाके हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप लोग धीरे से आगे लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद सिंपली इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग कट करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान से ऑडियो के हिसाब से सुनना, उसका इसको कट कट के ले लेना। तो आगे का पार्ट कट करेंगे, इस आइकन में टच कर इसको कट कर दिया, उसके सिंपली फर्स्ट तरह हम लोग ऐसे करके आ जाएंगे, उसके सिंपली इस आइकन में टच कर इसको इतना तक ले लेंगे। लेने के सिंपली इसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे मूवमेंट पर जाना पड़ेगा, उसके सिंपली जूम आउट पर जाके इसको ऐसे करके आप लोग को फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोग फुल स्क्रीन कर लेना, ऐसे करने के बाद सिंपली आप लोग इसको एक एक पार्ट कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ पे कौन सा पार्ट है आप लोग कट करना पड़ेगा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और लेयर को हम लोग आगे ले लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे। डायलॉग जहाँ से हीरो बोलेगा वहाँ से आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे जाके इतना तक ले लिया। लेने के सिंपली इसको आप लोगों को अभी कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कटिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग ऑडियो को सुनने की बात करोगे तो बहुत बढ़िया होगा, तो मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देख सकते हो, तो बार बार मैं इसको काट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को काट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बीट मार मिल जाएगा, तो बीट मार के अकॉर्डिंग आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे टीम मारना पड़ेगा, उसके सिंपली इसको यहाँ पे इतना तक उन लोगों को काट कर देना पड़ेगा, उसके सिंपली यहाँ से फिर से हीरो बोल रहा है, तो सिंपली ऐसे करके आप लोगों को काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेयर को आगे ले लेते हैं हम,
हाँ यहाँ पे सही है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कट करके यहाँ पे ऐसे करके आप लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ध्यान से करिएगा तो आपको वीडियो बहुत बढ़िया बनेगा। तो आगे का पार्ट थोड़ा सा ऐसे करके इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे छोड़ देना पड़ेगा। उसके सिंपली यहाँ पे आप लोगों को अपना खुद का फोटो ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वीडियो क्लिप को आप लोगों को एडजस्टमेंट कर लीजिए, उसके बाद में कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे फिर से बीट आ रहा है, तो सिंपली फिर से लेयर के ऊपर टच करके इसको भी यहाँ पे बीचों में टच कर देना पड़ेगा। उसके सिंपली इसको कितना तक लेना पड़ेगा आप लोग देख लीजिए, इसका इतना तक पार्ट को कट कर देना पड़ेगा। तो इतना तक पार्ट को कट कर दीजिए, तो चाहे तो और भी आगे का पार्ट आप लोगों को कट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से कट कर दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे कट कर दीजिए। उसके सिंपली इसको हम लोग ऐसे करके इस करके लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कट करके ले लिए। तो यहाँ पे जो खाली मिल रहा है यहाँ पे आप लोग को अपना खुद का फोटो ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी आप लोग को बता दूंगा। तो सिंपली यहाँ पे फिर से थोड़ा सा आगे का पार्ट कट करके इसको ऐसे करके आप लोगों को एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके वीडियो क्लिप को आप लोगों को एक एक पार्ट को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग कट कर लीजिए, तो यहाँ पे कट कर दिया मैंने। फिर से आप लोगों को यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा गाइस, उसके फिर से आप लोगों को यहाँ पे भी कट कर देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने कट है तो फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कट करके, तो सिंपली यहाँ पे भी कट करके आप लोगों को एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा। तो इसका लास्ट पार्ट हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना तक हम लोग लेंगे। तो इसका ज़्यादा पार्ट नहीं लेंगे, तो सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। इस आइकन टच करके इसको कट कर दिया। तो ऐसे करके सबसे पहले वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को जहाँ पे मैंने बीट मार्क छोड़ने के लिए बोला था, खाली यहाँ पे आप लोगों को फोटो अपना ऐड करना पड़ेगा। आप लोग चाहो तो KGF चैप्टर मूवी का हीरो का भी फोटो ऐड कर सकते हो, नहीं तो अपना भी। तो हम लोग प्लस आइकन में टच करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, तो मैं KGF चैप्टर का हीरो का ही फोटो ले लेता आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रिंटर से कुछ फ़ोटो को डाउनलोड किया था, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे तीन फोटो एक क्लिक में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लिया, उसका ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो कर लिया। उसके बाद प्लस आइकन में टच को ऐड कर लेंगे, उसका सिंपली इसको पिटमार्ट तक जाएंगे, उसका सिंपली इस आइकन में टच को कट कर देंगे। उसका सिंपली इसको मूवमेंट पर जाकर थोड़ा सा ऐसे करके फुल स्क्रीन करके ऐसे करके आप लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो सिंपली फिर से पिटमार्ट तक जाएंगे, उसका सिंपली इस आइकन में टच एक्स्ट्रा कट कर देंगे। मूवमेंट पर जाकर इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे करके आप लोग एक करके फोटो को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अभी आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो यहाँ पे तीन फोटो ऐड कर लिया, तो उसके सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग तो वीडियो क्लिप ऐड कर दिया। फिर से आप लोगों को यहाँ पे अपना फोटो, नहीं तो KGF चैप्टर मूवी का जो हीरो है उसका भी फिर से फोटो आप लोग कुछ ऐड कर लेना। तो सिंपली मैं फिर से कुछ फ़ोटो ऐड कर लेता आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सिंपली यहाँ से एक दो तीन ऐड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस, दो ऐड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सिंपली मैं इसको भी ऐड कर लिया, उसका सिंपली बीटमार्क तक जाके इसको भी इस आइकन वाला जिसको कट कर देंगे। उसका सिंपली इसको भी ऐसे करके आप लोगों को फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। उसका सेम प्रोसेस में इस फोटो को भी एडजस्टमेंट कर देंगे हम लोग। तो ऐसे करके आप लोगों को जहाँ पे मैं फ़ोटो ऐड करने के लिए बोला था वहाँ पे आप लोगों को सिंपली फ़ोटो को ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो इस टाइप का स्टेटस नहीं बनेगा, ठीक है। तो लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी छोटा सा लेयर मिल रहा है इतना तक कि आप लोगों को फोटो ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी मेरा खुद का फोटो ऐड करके रखा हो, तो आप लोग अपना भी कर सकते हो, नहीं तो हीरो का भी फोटो ऐड कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को सारे फोटो एंड वीडियो के अंदर इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी आप लोग इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ेगा, इसको बैक कर लीजिए, उसके बाद इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। उसके सिंपली फास्ट आप लोग यहाँ पे एक नंबर मार मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग एक नंबर इफेक्ट को कॉपी करना पड़ेगा। वीडियो लेकर पर टच करके इसको कॉपी कर लीजिए, मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद सिंपली लोग बैक करके मेन प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो उसके सिंपली यहाँ पे नीचे एक मार रहेगा, मार के अकॉर्डिंग हम लोग को वीडियो के अंदर इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे एक नंबर है, तो इसके अंदर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। उसके सिंपली आप लोगों को देख लेना पड़ेगा कहाँ पे इस टाइप का एक नंबर मार है, वहाँ पे आप लोग ऐड करना पड़ेगा। तो नहीं है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे भी नहीं है, तो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आप लोगों को सिंपली ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे पाँच नंबर मिल रहा है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो एक ही नंबर इफेक्ट फर्स्ट तरफ ही मिलेगा, उसके सिंपली अभी आप लोगों को फोटो के अंदर इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को दूसरे इफेक्ट को कॉपी करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे फोटो लेयर के ऊपर टच के दस से तो दूसरा नंबर इफेक्ट मार है, तो फोटो लेयर पर टच करके इफेक्ट पर जाके इसको कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। उसके सिंपली इसको बैक करके हम लोग मेन प्रोजेक्ट को ओपन करके इसको पेस्ट करेंगे दूसरे इफेक्ट को जहाँ पे मार है गाइस। तो सिंपली यहाँ पे तीनों फोटो के अंदर इस इफेक्ट को ही पेस्ट करना पड़ेगा बैक टू बैक। तो यहाँ पे तीन फोटो के अंदर ऐसे करके पेस्ट करके तीनों के अंदर इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग पेस्ट कर लेना तीनों के अंदर। उसके बाद सिंपली देखना पड़ेगा फिर से दो नंबर इफेक्ट कहाँ पे मार है, यहाँ पे तीन नंबर है गाइस, तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को देख लेना पड़ेगा यहाँ पे तीन दो नंबर इफेक्ट है। तो सिंपली फिर से आप लोग यहाँ पे जो भी फोटो रहेगा सारे फोटो के अंदर पेस्ट इफेक्ट
ऐसे करके आप लोगों को कर लेना पड़ेगा। तो जितना तक आप लोगों को फोटो लेयर दिखाई देगा उतना तक ही आप लोगों को दो नंबर इफेक्ट को कर लेना पड़ेगा। उसके बाद अभी आप लोगों को तीसरे नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को तीसरे नंबर इफेक्ट है, उसके लिए सिंपली इफेक्ट वाला पॉजिट को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे तीसरे इफेक्ट को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे तीसरे इफेक्ट को मैं कॉपी करूँगा गैस, तो सिंपली फोटो लेयर इफेक्ट थ्री डॉट कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली मेन पॉजिट को ओपन करके इसको भी हम लोग पेस्ट करेंगे, जहाँ पे तीन नंबर इफेक्ट मार्क करने के लिए है वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो वीडियो लेयर पे टच करके इसको पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ही है शायद, और कहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे तो नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पेस्ट किया तो यहाँ पे मार्क नहीं है। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे पाँच नंबर शायद मिलेगा, हाँ गाइस यहाँ पे पाँच नंबर। तो यहाँ पे भी नहीं है, आप लोग को इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी एक ही जगह पर पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी हम लोग को यहाँ पे चार नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरे इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे सिंपली चार नंबर इफेक्ट को। तो फोटो लेयर इफेक्ट थ्री डॉट कॉपी इफेक्ट कर लिया। उसके सिंपली हम लोग मेन पॉजिट को ओपन करके हम लोग इसको भी जहाँ पे चार नंबर मार रहेगा चार नंबर के ऊपर ही इसको भी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मार्क नहीं है, तो ये मार्क जहाँ पे नहीं है उसके अंदर ही आप लोगों को चार नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग और कहाँ पे भी मार्क नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट एक इफेक्ट मिलेगा पाँच नंबर। तो पाँच नंबर को भी फिर से आप लोग को इफेक्ट को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा यहाँ पे जाके पाँच नंबर को, तो सिंपली को कॉपी कर लिया मैंने। उसके सिंपली इसको भी हम लोग बैक करके पेस्ट इफेक्ट करेंगे गाइस। लास्ट में जो भी मार्क है वहाँ पे जाके हम लोग इसको पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। यहाँ पे से पाँच नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा 15 सेकंड के बाद, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को सारे वीडियो क्लिप जो भी कट किया है उसके अंदर ही आप लोगों को सारे के अंदर इस इफेक्ट को ही पेस्ट करना पड़ेगा। तो हो गया। उसके बाद अभी आप लोगों को एक इफेक्ट और ऐड करना पड़ेगा, एचडीएल वाला जो इफेक्ट है। इसको आप लोगों को तीनों को ऐसे करके प्रेस करके आप लोगों को कॉपी करना पड़ेगा गाइस। तो सिंपली हम लोग उस तीनों को कॉपी करके हम लोग पेस्ट करेंगे। तो कॉपी कर लिया तीनों लेयर को। उसके बाद सिंपली मेन पॉजिट को ओपन करके हम लोग इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली आप लोगों को जितना तक वीडियो उतना तक लेना पड़ेगा तीनों लेयर को। तो लेयर को टच करके टाइमर पर जाके इसको सेकेंड में टच करके इतना तक ले लेंगे। लेने के बाद फिर से इसको भी टाइमर पर जाके इसको भी इतना तक लेंगे। उसके बाद फिर से इसको भी सेम प्रोसेस में तीनों को टाइमर पे जाके फुल ले लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को तीनों कर लेना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली अभी आप लोगों को वीडियो को सेव कर सकते हो। तो सेव करने के लिए सिंपली आप लोग सबसे पहले अपने चैनल लोग इंस्टॉल हो जो भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ एरो पे टच करिए, उसके सिंपली यहाँ पे वीडियो क्वालिटी जो भी रखना चाहते हो फोन के हिसाब से सिलेक्ट कर दो। उसके बाद एक्सपोर्ट पर टच कर देना, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंटरफेस रहेगा सेव बोल करके वीडियो फोन के अंदर आप लोगों का सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बल को बेल आइकन रहता है उसको ऑल पे प्रेस कर दो। और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ गाइस वीडियो को फैमिली लोगों से शेयर करके जल्दी से जल्दी 3K कंप्लीट कर दो गाइस। प्लीज़ जल्दी से शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे। और गाइस कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा कैसे लगा, और ये कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।